फिरोजाबाद में प्रवासी मजदूरों का ऑटो पलटने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस गंभीर रूप से घायल प्रवासी मजदूरों को शिकावाद के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। बता दे, घटना फिरोजाबाद जनपद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे NH2 रूपसपुर का है, जहां दिल्ली में मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के भय से दिल्ली से अपने निजी वाहन टेम्पो द्वारा इटावा जा रहे थे। जैसे ही वह फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र नेशनल हाईवे NH2 रूपसपुर के पास पहुंचे थे, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार वाहन ने टेम्पो में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो में बैठे 5 प्रवासी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की खबर लगते ही आसपास के लोग व पुलिस मौके पर पहुंच गई और गंभीर रूप से घायल प्रवासी मजदूरों को शिकावाद के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 प्रवासी मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद सैफई के PGI हॉस्पिटल में रेफर कर दिया और बाकी 3 लोगों का शिकावाद के संयुक्त चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। फिरोजाबाद से सचिन जैन की रिपोर्ट, SKH न्यूज। शिप्रा जी, क्या मुद्दा था सर? हम आ रहे थे दिल्ली से, हमारे सामने में अंधेरा छाया और एक गाड़ी वाला हमें मार करके चला गया, हमारी पूरी टेम्पो पलट गई सर। टेम्पो से आ रहे थे। आप दिल्ली से टेम्पो कहाँ जा रहे थे? ये इटावा आ रहे थे सर। कहाँ पर पलटा है ये? ये रूपसपुर में पलटा हुआ सर। अच्छा, दिल्ली से इटावा तक टेम्पो से जा रहे थे, क्यों, क्या कारण था ऐसे? सर बस ऐसे ही, पूरी फैमिली थी इसलिए चले आए। खुद का टेम्पो था? नहीं, ये क्या करते हैं वहाँ पर लोग? आप लोग सर, कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ अपना बिजनेस, जैसे अंकल बिजनेस करते हैं। क्या प्रवासी मजदूरी करते हैं? प्रवासी मजदूर हैं हम, लॉकडाउन के चक्कर में जो कोरोना का काल चल रहा है, इस चक्कर से हम परेशान होकर के, हमारी नौकरी भी बंद हो चुकी है, रोजगार भी बंद हो गया है, 6 बजे तक काम चलता है, इस चक्कर से हम अपने घर जा रहे थे कि अपने घर पहुँच जाएंगे, जो होगा हमारे परिवार के साथ होगा, इस चक्कर से हम घर आ रहे थे और गाड़ी वाले ने हमें मार दिया और हमारी ये हालत हो गई। अच्छा, कितने लोग घायल हुए हैं आप? 5 लोग घायल हुए हैं। एक ही परिवार के हैं 5 लोग? हाँ सर, नहीं, 2 परिवार के हैं, अलग अलग सदस्य हैं, सारे परिवार ही। अच्छा, साथ साथ रहे।